नमस्कार सर जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है सर जी आपका? शमसुद्दीन। अच्छा, कौन सा गोट फार्म है सर जी? ये समीर गोट फार्म है साहब। समीर गोट फार्म है तेलोरा पुष्कर। अच्छा। सर ये कितनी बकरियां सर जी आपके पास? मेरे पास ये 45 बकरियां सर। 45 बकरियां है ना। और सर जी आपका नाम? मेरा नाम गोपाल है सर। गोपाल जी है ना। हाँ जी। अच्छा, क्या पार्टनर हो गया आप दोनों? हाँ सर। हाँ पार्टनर में हाँ, ये हमारा भाड़ा है और फार्म हाउस तेलोरा में वहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा। और मतलब फीमेल यहाँ पे रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी मेल वगैरह वहाँ पे तिलोरा में फार्म। तो अभी आगे चराने के लिए यही करते हो क्या आप? हाँ, अभी चराने के लिए लेके आया हूँ। अभी ये पत्ती है, हरी पत्ती होती है खेजड़ी की। खेजड़ी की? हाँ, वो पत्ती है। अच्छा, फीमेल कितनी है आपके पास? अभी फीमेल में अवेलेबल में है 35-40 समथिंग है। अच्छा अच्छा। फीमेल में छोटे बच्चे भी हैं। सारी फीमेल ही है? हाँ, अभी फीमेल है, सब एक मेल है इसमें बस। अच्छा, तो कौन सी बकरियाँ हैं ये? ये सिरोज नस्ल की बकरी है। नस्ल की है तो बता देंगे सर जी हमारे को, डिटेल बताओ इनकी। हाँ, डिटेल में है, ये बकरी है देख लो आप। इसमें सिरोही में क्या है, थोड़ी हाइट अच्छी होती है और दूध में थोड़ी तेज होती है सिरोही नस्ल की बकरियाँ। अच्छा अच्छा। बाकी और भी अवेलेबल है अपने पास में, सिरोही अगर दूसरी भी है वो भी अवेलेबल है। तो ये इसको लाओ ना नीचे, देखते हैं। अच्छा, अभी क्या ये दूध दे रही है क्या? ये बच्चे देने वाली है अभी। अभी बच्चा दे रही है? प्रेग्नेंट होगी? प्रेग्नेंट है अभी, 15 दिन में बच्चा देगी ये बकरी। अच्छा अच्छा। और इनमें इधर इनमें ये छोटे बच्चे हैं अभी, तो ये छोटे बच्चे भी हैं इनमें। ये भी सिरोही में ही है। सिरोही में दो कलर आते हैं, एक छिपकली आती है और एक ये लाल कलर आता है। अच्छा सर जी, तो ये इसके बारे में बताओ तो एक बार। ये भी 6 दांत में है, सिरोही नस्ल की है। अच्छा। और ये मतलब हाइट में अच्छी है बकरी। अच्छा। और दूध में कम से कम 1 से 1.5 किलो दूध निकलता है इसको। अच्छा, तो ये क्या प्रेग्नेंट है क्या अभी? नहीं, ये इसके बच्चे हैं अभी। अच्छा, बच्चे हैं। हाँ, इसके बच्चे हैं। एक बच्चा है इसका, ये दो भी लेके आती है सिरोही नस्ल में, यही है सबसे ज़्यादा 3 या 4 बच्चे ज़्यादा लेके आती है। अच्छा, अभी ये है तो ये 3 लेके आती है हर बार, आपकी बार 2 लेके आई है। और ये वाली कौन सी? ये वाली सिरोही नस्ल की है। ये फीमेल है। अच्छा, वो मेल है। ये मेल है ना? ये मेल है, एक मेल है इसमें। अच्छा अच्छा। ये रखा का हूँ, बाकी मेल तो मैंने हमने पहले निकाल दिया। कंट्रोल करा हुआ है क्या? नहीं, ये कस्सी है। ये कितने दांत का है? ये तो अभी दांत किया ही नहीं है। तो दिखाओ ना, दांत करने में दिखाना। और सर जी ये वाली बकरी ये वही है। ये पीले कलर में, ये हर बार 3 बच्चे लेके आती है। ये 3 बच्चे लेके आती है हमेशा हर बार। हाँ, अब की बार भी एक बच्चा ये वाला है इसका, एक वो है। अच्छा, एक ये है। एक ये वाला। हाँ, और एक घर पे ही है। अच्छा, घर पे है। अच्छा अच्छा। वो छोटा साथ में लेके नहीं आता, वो अच्छा रखने वाला बकरा है। अच्छा। हाँ, वो अब की बार ब्रीडर बनेगा वो आगे जाके, इसलिए वो घर पे ही है। अच्छा अच्छा। वो छोटा बच्चा। और ये वाली बकरी ज्यादा उम्र की हो गई होगी? ये उम्र में है बकरी, इसको रख रखे हैं बच्चे अच्छे लेके आती है इसलिए। तो मतलब आपके पास जो भी बकरियां हैं? हाँ। तो मतलब ये फीमेल है सारी की सारी? ये फीमेल। इनके जो बच्चे होते हैं उनको सेल करते हैं या इनको भी सेल करते हैं? इनको भी सेल करते हैं, इनके बच्चों को भी सेल करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कस्टमर बोलता है बच्चे लेके नस्ल का बकरा चाहिए ना, तो फिर इनको इनमें से देते हैं। जैसे उनको फार्मिंग के लिए चाहिए, पालने लायक चाहिए, तो फिर इनमें से देते हैं हम लोग। और कट्टू माल होता है तो उनको जैसे कट्टू माल चाहिए तो फिर कट्टू माल अलग है, जैसे अपने तिलोरा फार्म पे है। जैसे कोई फार्मिंग के लिए लेता है ना, जैसे पालने के लिए कि भाई उनको अच्छी नस्ल उनको आगे बढ़ानी है नस्ल के ऊपर, तो उसके लिए वो अलग लेके जाते हैं। ये नक के हिसाब से है फिर। अच्छा, 1 महीने की बच्ची है अभी, 1 महीने की बच्ची है और सिरोही नस्ल में सबसे टॉप नस्ल की बकरी है ये। अच्छा, बच्ची है अभी सिरोही नस्ल में, फीमेल है ये। हाँ, ये फीमेल है, 1 महीने की बच्ची है अभी। तो एक ही वही हुई थी क्या उसके? हाँ, ये एक ही है उसकी माँ को। उसके एक ही। अच्छा, इसलिए मतलब। अच्छा, थोड़ी ग्रोथ कर ली है, एक ही है इसलिए। अच्छा अच्छा। मतलब ज्यादा बच्चे होना भी इतना कोई जरूरी नहीं है, अगर कम बच्चे होंगे तो दूध अच्छा मिलेगा। हाँ। और
और हाइट और लेंथ भी अच्छी होगी, उसकी अच्छी होगी। हाँ मतलब एक बच्चा रहेगा तो वो पालने में मतलब बकरी को दिक्कत नहीं होगी, वो ज़्यादा हाइट करेगी, ग्रोथ करेगी, दूध ज़्यादा पिएगी तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाले ये कितने महीने के होंगे? सब साथ साथ के, ये कोई डेढ़ महीने का है, ये अभी 20-25 दिन का है। 25 दिन का है। तो इसके सींग आ गए इसके? वो तो सिंह तो दूध पीता है ना, अकेला पीता है तो सिंह तो आएंगे। सिंग आ जाते हैं। वो तो ग्रोथ पे है, जैसे ग्रोथ करेगा वैसे ही सिंह आएंगे ना। अच्छा अच्छा। और वो वाले वो बच्चे? वो सब साथ के, ये कोई डेढ़ महीने का है, कोई एक महीने का, वो फीमेल है उधर वाला, ये इधर। तो यार ये दीवार तो कम पड़ती है, ये कूद नहीं जाते नीचे? नहीं ये नहीं कूदते, बाहर जाते नहीं है, गेट खोलेंगे तो ही बाहर जाएंगे। तो ये तो आपने अच्छा बना रखा है यार। हाँ उछल कूद के लिए, कसरत कसरत के लिए। हाँ बहुत अच्छा शानदार बनाया आपने तो। ये आपके बड़े हैं मतलब? बिल्कुल। अच्छा तो और उधर क्या है सर जी? उधर गाय भैंस है और उनकी फलगट वगैरह रखी हुई है, और रात को रखने के लिए अलग है, ये दिन में रखने के लिए यहाँ पे। रात में रात को घर के पास में एक और फार्म है, वहीं पे रखते हैं रात को। ये भी फीमेल ही है? हाँ ये। तो सर जी आप भी, अच्छा ये भी है ना, तो मतलब लगभग लगभग ये 6-8 दांत तक की होगी शायद मेरे हिसाब से। 6-8 दांत तक की है। दंत में भी है, दांत किए हुए भी हैं, एक एक दांत भी किए हुए हैं अभी तक। तो आसान है। तो सेल का क्या रहता है सर जी, आपने क्या रेट में सेल का? सिरोही का तो 250 रुपए केजी है जिंदा, ठीक है। और जैसे अपने को गुजरी, सोजत 350-320। अच्छा। फीमेल लोगे तो 320 रेट है, और सोजत का अगर मेल लेंगे तो 350 रुपए। तो ये नक के हिसाब से भी दे सकते हो क्या? नक के हिसाब से, अगर किसी को बढ़िया क्वालिटी में चाहिए और मतलब नस्ल के ऊपर चाहिए कि मतलब उसको फार्मिंग के लिए चाहिए, तो फिर नक के हिसाब से होगा। अच्छा, नक के हिसाब से क्या रेट में अगर कोई पूछे? वो उसकी डिमांड है कि मतलब दो दांत का चाहिए, बिना दांत का चाहिए। फीमेल तो जैसे प्रेगनेंट फीमेल है या बच्चे दे चुकी है फीमेल, उसकी वो ज़्यादा लेना प्रीफर करेंगे अगर कोई पालने वाला है तो? क्वालिटी में चाहिए, बढ़िया नस्ल की बकरी चाहिए तो मिनिमम मान के चलिए 18-22 हज़ार। 18-22 हज़ार मतलब बढ़िया नस्ल वाली बकरी। नहीं जैसे दो बच्चे दे चुकी है और महीने 15 दिन के बच्चे हैं, तो वो वाली अगर बकरी चाहिए तो? हाँ वो भी अवेलेबल हो जाएगी। हाँ तो वो क्या रेट में सर नग में मिलेगी आपको? वो सर नग में मतलब ऐसे वेट के किलो के हिसाब से लेंगे? नहीं नहीं किलो के हिसाब से नहीं। हाँ। तो यार आइए, आप तो नस्ल के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से जाने वाली है, नस्ल के हिसाब से। हाँ 20-25 हज़ार के मतलब रेट में वो अवेलेबल होगी उसको, अच्छे बच्चे वाले अगर फार्म खोलना है और अच्छी नस्ल की बकरी लेंगे तो। ये आपकी खुद की है या आपके कोई मतलब कहीं से लेके आए हो? नहीं ये हमारी खुद की है, पर्सनल पर्सनल हमारी खुद की। ये नहीं बेचोगे क्या? नहीं बेचेंगे ना, सेल करेंगे इसमें। जैसे मान लो ये बकरी है आपकी, अगर ये बच्चे दे देती है दो, है ना, और 15 दिन बाद में अगर कोई बच्चे सहित खरीदना चाहे तो आप कितने में दोगे आप? वो सर ये बच्चे देने के बाद में डिफरेंट करता है, जब बच्चे के किस नस्ल के होंगे और कैसे बच्चे होंगे तो वो बच्चों तो के। आपने तो इसको प्रेग्नेंट है ना, आपको तो पता है कौन सी बकरी नस्ल की है, लेकिन बच्चे किस नस्ल के मतलब किस हिसाब से मतलब हो, अगर अपने को मतलब अपने घर में रखने लायक बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे तो 25-30 हज़ार के बीच मतलब बीच में ये जाएगी बकरी। अच्छा अच्छा। और एक बच्चा हुआ तो? वो एक हो या दो मतलब वो बच्चे के ऊपर डिफरेंट करता है, बच्चा कैसा होगा। अच्छा तो नहीं मैं मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी खुद की घर की बकरियां हैं और बकरा भी आपने दिखाया होगा तो वो भी आपको पता है भाई कौन सा बकरे से हमने, तो उसी पे डिपेंड करेगा वो तो बकरिया का बच्चा तो है, लेकिन मतलब भाई बहुत बार फर्क भी पड़ जाता है। बकरा भी बकरा ऐसा और बकरी भी ऐसी हो लेकिन फिर भी बच्चा अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा। बहुत बार हो जाता है। बहुत हमारा ट्रेडिंग का काम भी है। ट्रेडिंग का काम है सर? ट्रेडिंग का काम है हमारे तिलोरा में, समीर गोट फार्म के नाम से है तिलोरा। यहाँ से अपने हमारे कड़ेल से 6 किलोमीटर है, पुष्कर अगर आप अजमेर सिटी से लेंगे तो 18-19 किलोमीटर है हमारा फार्म, समीर गोट फार्म के नाम से है हमारा, ठीक है। क्या है सर जी? 9829-37-111-9 और 95-719-36-475। बिल्कुल हमारे खुद के पास भी है और हम अरेंज भी कर सकते हैं। उसमें सर जी ये भी रहता है कि कोई बकरी खाली निकल गई या कोई बच्चा भी नहीं दे सकती तो वो बांझ जैसे हो जाती है, तो उस कंडीशन में मतलब वो हम रिप्लेस ले लेंगे। रिप्लेस ले लेंगे सर? बिल्कुल सर, हम रिप्लेस ले लेंगे, क्योंकि अगर कोई बंदा पालने के लिए लेके जा रहा तो हम उसके साथ में चिटिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ वो नग के हिसाब से दोगे आप? बिल्कुल नग के हिसाब से देंगे, दे दोगे आप? ये कितने में दोगे? सस्ती में ये है। अच्छा। ये सस्ती बकरी में ये है 18,000-20,000, कम से कम 20,000 से नीचे, मतलब 18,000 से कम तो 18,000 से कम नहीं मिलेगा।
ये आपने अलग से और बना रखा है ना? हाँ, इधर ऊपर वो। अच्छा, ये खेजड़ी। अच्छा।